पुराने से पुराने एंड्रॉइड फोन में ये टॉर्च बटन दिया जाता है, जी हाँ गाइस, जिससे अंधेरे में लाइट जलाते हैं। जी हाँ, जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, पुराने से पुराने फोन में ये टॉर्च बटन मिल ही जाता है दोस्तों। किसी फोन में फ्लैश लाइट नाम से मिलता है और किसी फोन में टॉर्च के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके भी फोन में ये फ्लैश लाइट बटन है, टॉर्च बटन है, तो आज इस वीडियो को ध्यान से ही देखिएगा दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे खतरनाक सेटिंग के बारे में जो बिल्कुल आप देखकर चौंक जाएंगे। जी हाँ गाइस, फ्लैश लाइट के अंदर जो छुपा हुआ है, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। आज के इस वीडियो छोटा सा वीडियो बनेगा, लेकिन यूजफुल ये वीडियो बनेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, तो बने रहना वीडियो को एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे गुफिया सेटिंग जानना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जो एप्लीकेशन का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है दोस्तों। यहाँ पे उस टॉर्च एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार के देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये नॉर्मल एप्लीकेशन है, जी हाँ, जहाँ से टॉर्च को जला सकते हैं। जी हाँ, जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ से टॉर्च को जला सकते हो। और दोस्तों, आप सोचते हुए दोस्तों, इस एप्लीकेशन का काम सिर्फ टॉर्च जलाना है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आप बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये एप्लीकेशन में आप दूसरा काम कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक ही काम नहीं दोस्तों, इस एप्लीकेशन का आप दो काम कर सकते हैं। पहला काम, एक तो टॉर्च को जला सकते हैं, और दूसरा काम दोस्तों, अपने फोटो वीडियो इस एप्लीकेशन में छुपा कर रख सकते हैं। जी हाँ गाइस, अपने प्राइवेट फोटो वीडियो को यहाँ इस एप्लीकेशन में छुपा सकते हैं दोस्तों। इस एप्लीकेशन के छुपा हुआ एक सेटिंग जो मैं आपको बताऊंगा, और वहीं से दोस्तों अपने प्राइवेट फोटो को छुपा कर रख सकते हो। कैसे रख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, टॉर्च जहाँ पे लिखा हुआ है उसको दबाकर, थोड़ी देर दबाकर रखना है, लॉन्ग प्रेस करना है। यहाँ पे एक 4 डिजिट का एक पासवर्ड क्रिएट करना है दोस्तों। यहाँ पे क्रिएट करने के बाद तो कन्फर्म करेंगे, यहाँ पे फिर से डालेंगे। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सेलेक्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एस्किप पे क्लिक करके ऐसे एस्किप पे कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से इमेज, वीडियो, ऑडियो दोस्तों, यहाँ से कुछ भी आप प्राइवेट अपना ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल में दोस्तों, मैं इमेज पर ऐड करके दिखा देता हूं दोस्तों। इमेज पर क्लिक करेंगे, इमेज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों किसी एक फोल्डर पे क्लिक करेंगे, प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एक फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे मेरे एक फोटो को सेलेक्ट कर ले, यहाँ पे ताला आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मेरा फोटो ऐड हो चुका है, जैसा आप देख सकते हो। और दोस्तों, ये फोटो मेरे गैलरी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। यही एप्लीकेशन में ओपन करूँगा तो यहाँ पे इस ये एप्लीकेशन में ये फोटो दिख जाएगा, जैसा आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अपना वीडियो ऐड कर सकते दोस्तों। यहाँ पे कोई भी बंदा, आपके दोस्त, इस एप्लीकेशन को ओपन करेगा तो कुछ इस प्रकार के नॉर्मल एप्लीकेशन देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे कुछ भी एक ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है जहाँ से आप अपने प्राइवेट फोल्डर को देख सकते हैं। जी अगर यहाँ पे कुछ कोई भी नहीं समझ पाएगा दोस्तों, यहाँ से समझेगा ये टॉर्च का स्विच दिया गया, जैसा आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको देखना है तो कैसे देखेगा, तो दोस्तों यहाँ पर टॉर्च आइकन पर क्लिक करके थोड़ी देर दबा कर रखना है, और यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करेंगे, यहाँ से अपने फ़ोटो को देख सकते हैं, बड़ी आसानी से अपने फ़ोटो को देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से अपने प्राइवेट फ़ोटो, ऑडियो, सब कुछ इस एप्लीकेशन के अंदर छुपा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। ये वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की जानकारी के साथ, के लिए जय हिंद।